और अगर आप किसी ब्रॉड रोड पर चला रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा वाइड रोड है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है बहुत ज्यादा वाइड है, स्टिल जो आउटपुट है So what's up people, hope you are doing absolutely fine in your life and your Speedy Singh is back again. So I am once again back at Auto Music Emporium and Kaval bhaiya kya hal chal hai? Badhiya bhai, kaise ho aap? All good bhaiya. So main bahut dino se soch raha tha ki lighting mein kuch kara jaye apni Figo ke andar kyunki jo iski aux beam wali LEDs hai aur niche jo third class fog lamp mein LED bulb lagaya tha wo nihayat hi bakwas tha. To maine bhaiya se discuss kara and bhaiya kya suggest karoge aaj? भाई की गाड़ी में हम लगाएंगे IPS प्रोजेक्टर, जो आप अभी तक मारुति की गाड़ियों में देखते हुए और भी के मॉडल में देखा आपने, नेक्सॉन में लगे देखते हैं, ये आज लगा रहे हैं फिगो एस्पायर के अंदर। ये पहली बार ही लगा रहे हो? नहीं, मैं लगा चुका हूँ काफ़ी बार, पर भाई की गाड़ी में तो पहली बार लगा रहे हैं। ठीक है, सो अभी तक जो प्लान है वो ये है कि हम IPH के प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ में IPH की HID है, रिले वायरिंग है, RD की। ठीक है, तो ये सारा काम आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ, तो करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, स्पीडी सिंह की फैमिली से जुड़ो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और ये वीडियो सबसे पहले आपके पास आए इसलिए बेल आइकन भी दबा दो। So, जो प्रोजेक्टर का बॉक्स है वो अपने पास आ चुका है एंड IPH कार यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें तो हाई लो बीम बायजनन फॉग लाइट प्रोजेक्टर है, दिस इज अ फॉग लाइट प्रोजेक्टर, दूसरा प्रोजेक्टर नहीं है, मतलब आप इसको हेडलैम्प में नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ फॉग लैम्प में ही यूज होगा। अगर हम इसके मॉडल नंबर की बात करें तो दिस इज M6123 इंच वाला ये प्रोजेक्टर है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके कंटेंट्स की, सो अंदर से कुछ क्लैंप्स निकलते हैं फॉर फिक्सेशन, और ऐसा कुछ प्रोजेक्टर आपको अंदर से मिलता है। सो अगर हम इस प्रोजेक्टर के मटेरियल की बात करें तो बहुत ही अच्छे मटेरियल में ये प्रोजेक्टर बना हुआ है, फुल मेटल का ये बना हुआ है एंड इसके यहाँ से टूटने फूटने का तो कोई चांस ही नहीं है, प्लस आगे का लेंस आप देख सकते हो। सो चलते हैं सीधा इंस्टॉलेशन की तरफ। सो गाड़ी का बम्पर वगैरह खुल चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है, फॉग लैंप्स निकल चुके हैं और अंदर से फॉग लैंप ये निकला है। ठीक है, और सबसे महंगे ब्रांड के जो बल्ब होते हैं वो ये हैं, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, करोड़ों में बिकते हैं और बिल्कुल थर्ड क्लास है। ठीक है, ये निकले हैं अपने फॉग लैंप के अंदर से, तो ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर कोई फ्री में भी दे तो भी मत लगवाना। सो गाड़ी का काम आज हमारे पप्पू भैया करेंगे, जो कि सबसे फेमस इलेक्ट्रीशियन है पूरे करोलबाग में, और ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पर आपको हमेशा मिलेंगे। सो पप्पू भैया एक चीज बताओ, फोर्ड फिगो एस्पायर का बम्पर खोलना आसान है कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ। ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, ज्यादा परेशानी भी नहीं है, आराम से खुल भी जाता है। अच्छा, खोलने का तरीका आना चाहिए। सो फॉग लैम्प के साथ जो हम वायरिंग यूज करेंगे वो ये वाली है, फुल कॉपर वायर है और सिर्फ फॉग लैम्प की वायरिंग के लिए ही यूज करी जाती है। वायरिंग की बात करें तो भाई 4 mm की वायर्स हैं ये। ठीक है, सो ये प्रॉपर वायरिंग है, अगर आप कभी भी कोई भी फॉग लैम्प इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो ये ऐसी वायर्स होंगी आपके फॉग लैम्प के साथ, प्लस फुल कॉपर वायर है तो कभी मेरे को डर नहीं रहेगा किसी भी चीज का। सो बाबू भैया, ऑडियंस को मैं जितना गाइड कर सकता कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और बताओ इस वायरिंग के बारे में। फुल कॉपर की वायर होती है। ठीक है, और इसमें एक तो हैवी वायर है। हाँ जी, गर्म नहीं होगा जल्दी। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता इसमें, फ्यूज वगैरह सब कुछ लगे होते हैं। फ्यूज कहाँ पर है इसका? ठीक है, ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत वगैरह अगर आती है तो सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा। ठीक है, और गाड़ी के ओरिजिनल वायरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई वायर कटिंग करने वाले हैं? नहीं, इसमें कोई वायर कटिंग नहीं होता, ज्यादातर तो कपलर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो कवल भैया एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से और प्रोजेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं? कई सारे फेमस ब्रांड है, जैसे AES है, एजूम के आते हैं और भी विदाउट नाम भी आते हैं, बट क्या है जो IPH है वो बहुत पुराना प्रोडक्ट है और काफी सालों से मैं लगा रहा हूँ, शायद IPH करोलबाग में पहला बंदा हूँ मैं जो लगा रहा हूँ ये, तब तो शुरुआत मैंने की थी IPH की, और IPH का जो परफॉर्मेंस है फ्रॉम द डे वन बहुत अच्छा रहा है, और अभी तक इसके कॉम्पिटिशन में कोई और प्रोजेक्ट नहीं आया है, और इसकी खास बात ये जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी सारी गाड़ियों में आ जाती है, जैसे मारुति की तकरीबन सारी गाड़ियों में लग जाता है, ह्यूंडई की कुछ गाड़ी में लग जाता है, होंडा की गाड़ियों में लग जाता है, टाटा में लग जाता है, मैंने अभी टाटा हैरियर में लगाया रिसेंटली, नेक्सॉन में तो हम लोग लगाते हैं, हम एस्पायर में लगा देते हैं, पीको के अंदर लगा देते हैं, तो ये भी चीज़ थी काफ़ी अच्छी कि इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी इन गाड़ियों में।
फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू इंस्टॉल HID इन हेडलैम्प्स, क्योंकि LED का जो रिस्पॉन्स था वो इतना अच्छा नहीं आ रहा था मुझे, एंड लाइट कुछ अजीबो गरीब थी। जो आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है वैसी लाइट आ रही थी एंड आई वॉज रियली नॉट इम्प्रेस्ड। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर HID में कौन सी लगा रहा हूँ, दिस इज एडिशन ज़ेनॉन लैम्प 55 वॉट एंड 6000 केल्विन। इसके ऊपर यहाँ पर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। और HID होता क्या भाई, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज होता है। बेसिकली इसके अंदर एक गैस होती है जो बर्न होती है, उसके बाद वो लाइट देती है, ठीक है। ये सारे मॉडल नंबर्स आपको मिल जाएंगे एंड सबसे खास चीज एक साल की वारंटी है। कवल भैया, इसके अंदर टेबल रिप्लेसमेंट है, क्या चीज है? टेबल रिप्लेसमेंट है, 1 ईयर आपकी गाड़ी में खराब होता है, काउंटर आपको बदल के देंगे काउंटर पे, ठीक है। और HID के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कैनवस वाली है HID है, ओके। अगर आपके पास गाड़ी हाईलाइन मॉडल है, महंगी गाड़ी है, तो उसमें भी कम्फर्टेबल है ये, ठीक है। हाँ जी। सो फॉग लैम्प की जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है एंड जो राउंड वाले फॉग लैम्प्स होते हैं उसके अंदर जो IPH वाले फॉग लैम्प्स लगते हैं उनकी परफेक्ट फिटिंग आती है। ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है, परफेक्ट। और अगर मैं इधर से भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करें जो हमने HID लगाई है, वो HID अंदर आप देख सकते हो जो लाइट है, यानी कि जो बल्ब है। HID के बैलेस्ट की बात करें तो HID का बैलेस्ट यहाँ पर प्लेस करा गया, बिल्कुल सही पोजीशन है, वहां पर भी सेम पोजीशनिंग करी गई है। वायरिंग्स आप देख सकते हो, सारी वायरिंग्स कर दी हैं। नाउ एक खास चीज जो मैंने करवाई है इसके साथ वो ये है, ऊपर हेडलैम्प पे अपने पास दो बीम्स होती है, यानी कि हाई बीम एंड लो बीम। उसके साथ नीचे भी मैंने कनेक्शन करवा दिया है हाई बीम एंड लो बीम का। बाकी देखते हैं, अगर रिस्पॉन्स ठीक आएगा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, नहीं तो एक ही बीम पर इसको सेट करवा देंगे। फॉर अ चेंज इसलिए मैंने ये चीजें करवाई हैं, यानी कि ऊपर भी हाई बीम लो बीम है और नीचे बायज़ेनन प्रोजेक्टर है बेसिकली। सो नाउ इट्स टाइम के आपको एक अच्छा सा आउटपुट दिखाऊं दोनों लाइट्स का ऑन करके। सो हेयर वी गो इन 3, 2 एंड 1। सो फाइनली टाइम हैज अराइव्ड के आपको दिखाया जाए कि जो मैंने आज लाइट्स लगवाई हैं उनका आउटपुट कैसा है रोड के ऊपर। सो हेयर इट इज, राइट नाउ वी आर रनिंग बोथ द फॉग लैम्प्स एंड द हेडलैम्प्स, दोनों अभी जल रहे हैं, तो एक एक करके ऑन ऑफ करके देखते हैं कि फाइनली आउटपुट कैसा आता है। सो यहाँ पर हम ऑफ करते हैं अभी फॉग लैम्प्स। सो दिस इज द आउटपुट फॉर द HID आई हैव यूज्ड इन द हेडलैम्प्स। इसमें आपको आउटपुट इसलिए कम लग रहा होगा क्योंकि थोड़े से टिंटेड हैं मेरे हेडलैम्प्स, जिनकी वजह से आउटपुट यस कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, बट उस चीज को कवर अप करने के लिए मैंने नीचे फॉग लैम्प्स लगवाए हैं एंड आउटपुट आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है। राइट नाउ वी आर हैविंग लो बीम, अभी सिर्फ लो बीम पर इतना अच्छा आउटपुट आपको मिल जाता है। अगर हम इसकी हाई बीम करें, सो रेंज देखो भाई कितनी जबरदस्त है, कितनी अच्छी क्लैरिटी आपको रोड पर मिल रही है। सो इट्स समथिंग आई मस्ट हाईली रिकमेंड, बहुत बढ़िया चीज है। HID का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है एंड IPH का तो क्या ही कहना, नेक्स्ट लेवल चीज है। अगर फॉग लैम्प्स में लगवाते हो तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आप लगवा सकते हो अपनी कार्स के अंदर। आउटपुट आपके सामने है, जस्टिफिकेशन आपके सामने है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। स्टिल एक बार बाहर से और सामने से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बाहर से लुक कुछ ऐसा है, फाइन, एंड यहाँ पर आप रोशनी देख सकते हो कितनी अच्छी है, और फ्रंट से कार का लुक कुछ ऐसा है। लो बीम है, एक बारी हाई बीम करके दिखाता हूँ। सो ये चेक करो, सो अगर हम सिर्फ फॉग लैम्प्स ऑन रखें तो आउटपुट देखो भाई कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर से बोलूंगा, इट्स वेरी इम्प्रेसिव, हाईली इम्प्रेसिव, जितने भी इम्प्रेसिव के आगे वर्ड्स लगा सकता हूँ ना उतने कम है। IPH का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है और जो प्रोजेक्टर्स का कट है वो आपके सामने है, दिस इज करेंटली लो बीम एंड अगर हम हाई बीम करेंगे परफेक्ट। सो फाइनली नाउ इट्स टाइम के इस वीडियो को रैप अप करा जाए एंड फाइनली आई हैव गॉट अ गुड लाइटिंग सेटअप ऑन माई फोर्ड फिगो एस्पायर। वीडियो खत्म करने से पहले भाई मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ एंड आप होते भी हो, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कभी भी LED लगवा रहे हो रिफ्लेक्टर के अंदर, आप लगवा रहे हो HID, आप जो मर्जी लगा रहे हो, सिटी के अंदर हाई बीम पर मत ड्राइव करना,
कभी मुझे भी स्पॉट कर लोगे ना, तो मैं तो ऑलमोस्ट चल ही फॉग लैंप पे रहा होता, मैं तो आज तक ऊपर की लाइट ऑन ही नहीं करी, बट स्टिल हाईवेज पर जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने HID पर अपग्रेड करा है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल एंड जितने भी व्यूअर्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई हाई बीम पर मत चला करो, सामने वाले बंदे को नजर नहीं आता। हाई बीम आपकी इलीगल भी है और उस पर चलान भी होता है। ना भैया बात करते हैं कि जो हमने एडिशन वाली HID लगाई है, हाँ, उसकी क्या प्राइसिंग पड़ती है? अगर विद कैनवस लेंगे आपको 4000 रुपीस की पड़ती है, और अगर आपकी गाड़ी में कैनवस सही है तो वो पड़ती है आपको 3500 रुपीस की विद इंस्टॉलेशन। ओके, उसके बाद हम नीचे वाले फॉग लैंप्स की बात करें, यानी कि IPS प्रोजेक्टर आपका विद ब्लास्ट एंड विद आपका रिले वायरिंग आपको पड़ता है 6500 रुपीस का। बट अगर गाड़ी आपकी टाटा हैरियर है या आपकी फीगो एस्पायर है तो हम 500 रुपीस लेबर चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, लगाने में मेहनत भी ज़्यादा है। तो ये मुझे भी पता है चीज़, क्योंकि फोर्ड फीगो एस्पायर का या फोर्ड की कोई भी गाड़ी का बहुत पंगा रहता है, बहुत सारे बोल्ट खोलने पड़ते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल वाले फिट करके देते हैं। हम लोगों ने आपको फिटिंग भी परफेक्ट देनी है, आपको सर्विस भी देनी है, तो वो जायज़ है जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, गलत नहीं चार्ज कर रहे। तो प्राइसिंग आपके सामने आ चुकी है एंड आई होप कि आपको जो प्राइस है काफ़ी ठीक ठाक लगे होंगे। अब भैया इंस्टॉल करवाना है तो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पर आना है, एड्रेस 10172 अब्दुल अजीज रोड, करोलबाग, न्यू दिल्ली। और आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, तो आप मेरी शॉप पे भी आ सकते हैं। एंड मंडे हम लोग क्लोज हैं, बाकी डेज हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो 11:30 to 8 है, आप कभी भी आ जाइए। फोन नंबर जो है 0111-4145-1600। ठीक है, सो यही थी आज की वीडियो। इंस्टॉल प्रॉपर मैंने सब कुछ करवा लिया है, वायरिंग आपने देख ली, इंस्टॉलेशन आपने देख ली, सब कुछ देख लिया, बहुत परफेक्ट तरीके से सारा कुछ इंस्टॉल हुआ है। नाउ मूविंग ऑन, अगर आपको अपडेट्स चाहिए एक्सेसरीज के बारे में तो काइंडली फॉलो कवल भैया ऑन ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर मेरे लाइफ के अपडेट्स चाहिए, चैनल के अपडेट्स चाहिए, तो काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज स्पीडी सिंह 1313। टिकटॉक एंड स्नैपचैट का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो विद दिस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ही करना है, और सब्सक्राइब भी करना, और साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे सबसे पहले। सो विद दिस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, साइनिंग ऑफ, स्पीडी सिंह। ਆਓ ਬਲਿਆਲ ਫਾਫੇ ਨੀ ਉਹ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।